अवसर यहाँ दिया है शास्त्री बनने का, आचार्य बनने का और पीएचडी करने का जो अवसर दिया है, मैं इसको जो एक प्रकार से तिब्बती इतिहास का एक अभूत निर्णय ऐसा मानता हूँ। इस प्रकार का निर्णय ये सामान्य बात नहीं है, मैं ऐसा देखता हूँ। दूसरी ओर मैं रिंगोची जी, मैं अद्भुत एक प्रकार से विचारों का संबंध पाता हूँ। एक तरफ से रिंगोची जी जय कृष्णमूर्ति के भी फैन हैं, जो ये 34 कहने वालों में है, सभी प्रकार के रोगियों का जो एक प्रकार से खंडन करते हैं। तो वहीं आप महात्मा गांधी से प्रभावित हिंद स्वराज का बहुत बड़ा फैन है, ये कैसे संबंध है आप स्थापित करते होंगे, मुझे आश्चर्य होता है। जब मैं इसको देखता हूँ गंभीरतापूर्वक, मैं पाता हूँ शायद ये तथागत बुद्ध का माध्यम प्रतिपादन और प्रतीक के समुत्पाद के सिद्धांत के चलते संभव हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। इसके बिना जो है ये कभी भी समन्वय रूप से एक साथ नहीं चल सकता है, क्योंकि समय का बहुत अभाव है। मैंने ये देखा, संक्षेप में बोलूँगा, मैंने ये देखा कि रिंपोची जी एक प्रकार से महायानी परंपरा भिक्षु के एक जो है आदर्श मॉडल है, आदर्श के रूप में देखता हूँ। इनका पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित है। मैं समझता हूँ इसी भाव के चलते, इसी कुछ विचार के चलते आपने जिस क्षेत्र में भी कदम उठाया उसमें जो आपने सफलता के चरम उत्कर्ष को आपने जो है प्राप्त किया, मैं ऐसा देखता हूँ। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हो, जैसे कि इससे पूर्व कर्म मोलम जी ने कहा, आपने शिमला में आध्यात्मिक गुरु के रूप में आपने कार्य शुरू किया और वहाँ से आप प्रिंसिपल बने, फिर आप संस्थान में आकर के प्रिंसिपल के रूप में, फिर डायरेक्टर के रूप में, फिर आप जो है कुलपति के रूप में बने और कुलपति के रूप में बनने के पश्चात आप AIU ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एसोसिएशन के आप चेयरमैन तक आप पहुँचे। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में मैं समझता हूँ उससे बढ़कर कोई उपाधि कोई प्राप्ति नहीं होती। आपने जो है प्रोफेसर और VC पद को कहेंगे, वहीं से आगे आप चांसलर भी बने, साइंस की यूनिवर्सिटी जो बुद्धिस्ट एंड इंडेक्स स्टडीज है उसका चांसलर भी बने। अब शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो उससे बढ़कर कोई अचीवमेंट एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, उसको आपने प्राप्त किया। जहाँ मैं समाज में देखता हूँ, समाज सेवा की बात है, तो मैं देखता हूँ जब आप 2000 में इस संस्थान से सेवानिवृत्त होकर के आप गए तो धर्मशाला में आपने जो है तिब्बत के बाद संविधान मसौदा का को तैयार किया, उसके आप अध्यक्ष थे और उस काम को इम्प्लीमेंट करते हुए आप स्पीकर रहे और तिब्बत निर्वाचित सरकार के आप जो है 2 साल तक जो है प्राइम मिनिस्टर के रूप में रहे। अब आप देखिए समाज में किसी व्यक्ति के लिए उससे श्रेष्ठ और क्या पद हो सके और उससे आगे अचीवमेंट करने का और क्या गुंजाइश रहता है। ये सब इसलिए संभव हुआ कि आप जो भी करते हैं निस्वार्थ भाव से करते हैं, सेवा भाव से आप कार्य को करते हैं, इसलिए जो है आपको जो है सफलता स्वयं खुद खुद चुनती है, ऐसा मेरे को लगता है। वहीं मैं आध्यात्मिक दृष्टि से देखता हूँ रिंपोचे जी, आप रिंपोचे जी री इंकार्नेटेड है। आध्यात्म का चरम उत्कर्ष तो यही है, हम तो महायानी लोग हैं, महायानी परंपरा के अनुसार बुद्ध भव्य जगत हिदायत की बात करते हैं। हमारा बुद्ध बनना उद्देश्य नहीं होता है, हमारा बुद्ध महायानी का उद्देश्य बुद्ध बनना नहीं होता है, हमारा गोल बुद्ध नहीं है, बुद्ध बनना तो हमारा साधन होता है। हम बुद्ध बनने चाहते हैं क्योंकि प्राणियों का कल्याण करना चाहते हैं, प्राणियों का हित करना चाहते हैं। जब हम प्राणियों का कल्याण की बात करते हैं तो हम अपने में जो है कमजोरी पाते हैं, हम अपने में असमर्थ पाते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि बुद्ध बने जिससे कि हम जो है प्राणियों माता का हित कर सकें। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो मुझे ये होता लिखे हैं प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जन्म है। इस दृष्टि से आप अगर आध्यात्मिक दृष्टि से मैं देखता हूँ तो आपने चरम उत्कर्ष अवस्था को प्राप्त
किया है तो मैं ज्यादा संविधान लेकर के इन शब्दों के साथ पूरा मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई। जब मैं मोची जी का मैं चेहरा को देख रहा हूँ तो 20 साल पहले जब इस संस्थान से सेवानिवृत्त होकर के जा रहे थे तो आपके चेहरे में जो आवाज है ना वो आज भी देख रहा हूँ 20 साल के बाद में वही तेजस्वी है वो मैं आज भी देख रहा हूँ और जो सिद्धित प्रज्ञा है उसको मैं आज साक्षात देख रहा हूँ और मैं तथागत बुद्ध और बोधिसत्व से तथा आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हमें 10 साल बाद इसी प्रकार 90वां वर्ष का और फिर उसके 10 साल बाद 100वां वर्ष का मनाने का सुभाष अवसर दिया है उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद।